Hello my YouTube family, welcome back to your own channel. Today again I am presenting a new and latest session for you lovely people, let's do it. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे साइड मैसिव बनवाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया गाइस, एक हमने साइड में सेक्शन लिया है, डायगोनल सेक्शन लिया है प्रॉपर पूरे बालों को लेके। एक हमने राइट साइड से डायगोनल सेक्शन निकाला है। सो आपको भी ऐसे ही डायगोनल सेक्शन निकालना है। एक डायगोनल सेक्शन निकालने के बाद जो बाकी के बाल बचे उसको साइड में कर देंगे। देन जो हमारे डायगोनल सेक्शन निकाला है उसमें हम एक रबड़ बैंड से पोनी बनाएंगे। पोनी बनाने के बाद इसमें रबड़ बैंड लगा के टाइट कर देंगे उसको अच्छे से। टाइट भी कर सकते हो, थोड़ा लूज भी कर सकते हो, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, मीडियम हो बिल्कुल। इसमें से फिर हम लेयर्स निकालेंगे, देन इसको थोड़ा खींच देंगे ताकि थोड़ा टाइट हो जाए। अब गाइज हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाले बाल बचे थे हम उसमें अच्छे से कॉम्ब करेंगे, नीड करेंगे उसको। नीड करने के बाद हमने राउंड ट्विस्ट किया इसको। राउंड ट्विस्ट करने के बाद क्या किया, इसमें से लेयर्स निकालेंगे प्रॉपर इसको। एक एक लेयर्स को खींचते हुए चले जाएंगे और इसको लूज़ कर देंगे पहले, बाद में हम इसके स्प्रे के साथ कर सकते हैं। और जो हमने ट्विस्ट किया है इसमें से भी हम लेयर्स निकालेंगे, लेयर्स निकालते हुए चले जाएंगे प्रॉपर। आप इसको लास्ट में शार्प भी कर सकते हो, अभी भी शार्प कर सकते हो। देन इसको बॉब पिन से टक करना है गाइज, याद रखना जूड़ा पिन से नहीं करनी है टक, बॉब पिन से टक करना है। जूड़ा पिन से टक करोगे जूड़ा पिन से निकल जाएगी आपकी पिन, हेयरडू खुल सकता है आपका, तो आपको बॉब पिन से टक करना है टाइटली। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब गाइज हमने क्या करना है, लेयर्स को शार्प करना है। आप स्प्रे के साथ साथ एक लेयर्स को शार्प करोगे, शेप दोगे लेयर्स को प्रॉपरली, नीड करोगे अच्छे से, एक एक लेयर्स को पकड़ पकड़ के स्प्रे करते चले जाओगे, स्प्रे करोगे नीड करोगे अच्छे से। अगर गाइज आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम है सैम हेयर स्टाइल ऑफिशियल। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जाके हमें फॉलो कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। अगर आपको किसी भी हेयर स्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपसे बन नहीं रहा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर उस हेयर स्टाइल की फ़ोटो शेयर कर सकते हो, DM कर सकते हो हमें, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे उस वाले हेयर स्टाइल की जिस भी हेयर स्टाइल में आपको प्रॉब्लम लगती है। सो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अब गाइज हमें क्या करना है, इसमें हमने सारे बालों को इकट्ठा कर लिया, देन रबड़ बैंड से क्या करना है, एक हमने रबड़ बैंड ली, देन सेकंड रबड़ बैंड में इसको अंदर ही ले लेना है, हमें सेक्शन को एक बन टाइप बना लेना, हमने हाफ मून टाइप बना लेना है। देन उसके बाद हमें इसको जूड़ा पिन या बॉब पिन से टाइटली टक करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो नीचे के बाल बचे हुए थे इसमें से दो पार्टीशन किए हमने, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। स्प्रे करते करेंगे पहले उसको बन को अच्छे से, दो पार्टीशन किए हैं, जूड़ा पिन से टाइटली टक कर देंगे ताकि आपका बन लूज ना हो। अब इसमें से हमने दो लेयर्स ली, देन ट्विस्टिंग टेक्निक की है हमने, लेयर्स को टर्न करते जा रहे हैं पुलिंग टेक्निक की हेल्प से, पुलिंग करते जा रहे हैं, पुलिंग करते हुए चले जाना। देन इसको हम साइड में इसको बॉब पिन और सॉरी जूड़ा पिन से इसको टक कर देंगे और जो बाकी के हमारे एंड्स बचेंगे उसको भी हम जूड़ा पिन से अंदर की तरफ टक कर देंगे। एंड देन हमें लगेगा कि फ्लफी करना है थोड़ा सा और अच्छे से इसको फ्लफी कर देंगे बन टाइप के अकॉर्डिंग। ओके, तो देख लेना आप गाइज इसको अच्छे से फ्लफी करते हुए चले जाना। गाइज पूरी वीडियो देखो रहो ताकि आपको पूरा समझ में आए, आधी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, तो आप पूरी वीडियो देखो, जितनी पूरी वीडियो देखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अब गाइस इसको ट्विस्ट करेंगे, इसमें भी पुलिंग टेक्निक की हेल्प से इसको भी यहाँ पर टक कर देंगे, जूड़ा पिन से हमने टक कर दिया इसको। अब गाइस स्प्रे करेंगे, नीड करेंगे अच्छे से, चारों तरफ से इसको नीड करेंगे, जहाँ जहाँ से हमें लग रहा है कि हमारे बाल फ्रीजी हुए हैं तो उसको स्प्रे करके उसको बिठाएंगे, फ्रीजीनेस दूर करेंगे उसकी, और बन को देखेंगे बन हमारा प्रॉपर टाइट है, लूज ना हो हमारा बन। सो हमें चारों तरफ से देखना होगा, फ्रंट भी देखना होगा कि फ्रंट अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, लेयर्स हिली तो नहीं हमारी, तो हम उसको लास्ट में पूरी फिनिशिंग लुक देंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, स्प्रे करते हुए चले जाएंगे जहाँ जहाँ आपको छोटे छोटे फ्रीजियर दिख रहे हैं। ये हमने गाइस एक बीट्स लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है बीट्स।
सो ये देखिए गाइज हमारा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए गाइज मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।